वेलकम बैक, नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार। तो आइए दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। इसमें आपको बताएंगे बिहार में होगी कला विश्वविद्यालय की स्थापना, बंगाल और असम के सभी सीटों में चुनाव लड़ेगी LJP, राज्य में अब जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जारी करेंगे राजस्व अधिकारी, मैट्रिक परीक्षा में चोरी करने पर 6 महीने की जेल, 7 फरवरी को मनेगा विधानसभा का स्थापना दिवस, राशन कार्ड में परिवार के छोटे सदस्यों का नाम जुड़वाने का एक बार फिर से मौका, किसानों के समर्थन में महागठबंधन ने बनाई मानव श्रृंखला। साथ ही बड़ी खबर बताएंगे सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। राज्य में ठंड को लेकर क्या अपडेट है? राज्य में 1 अप्रैल से नहीं बनाए जाएंगे अप्लाइंग दिव्यांग प्रमाण पत्र। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को बिहार सरकार फिर से देगी नौकरी, बिहार में प्रवासियों को मिलेगा उनकी योग्यता के मुताबिक काम। फिर बड़ी खबर बताएंगे बिहार के पर्यटन स्थल पर अब नहीं दिखेंगे भिखारी, बिहार में 4,76,000 छात्र देंगे CTET की परीक्षा। और फिर आपको बताएंगे बिहार में कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन शुरू। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे, और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, मैट्रिक परीक्षा में चोरी करने पर 6 महीने की जेल, बिहार के सभी SP और DM को लिखा गया पत्र। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो चुकी है। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक चलेगी, जबकि मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर बिहार के सभी जिलों के SP और DM को पत्र लिखा गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा के संचालन के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और केंद्राधीक्षकों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए अगर किसी को पकड़ा गया तो उसे 2,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा या फिर 6 महीने की सजा होगी। जरूरत पड़ने पर दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में महागठबंधन ने बनाई मानव श्रृंखला, बुद्ध स्मृति पार्क के पास लाइन में लगे तेजस्वी। जी हां, नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए बिहार भर में कल महागठबंधन ने मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खुद बुद्ध स्मृति पार्क के पास मानव श्रृंखला में खड़े रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राजद नेता श्याम रजक ने भी तेजस्वी यादव के साथ बुद्ध स्मृति पार्क के पास मानव श्रृंखला बनाई। अगली बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने राजस्व अधिकारियों को दी बड़ी जिम्मेदारी, अब जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जी हां, लोगों के लिए जाति आय और आवास समेत अन्य प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने अब तय किया है कि राजस्व अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र जारी करेंगे, उनकी तरफ से जारी किए गए प्रमाण पत्र पूरी तरह से मान्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में से जारी किया है। अब तक जाति आय और आवास समेत अन्य तरह के प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी के द्वारा ही जारी किए जाते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बिहार में अब 1 अप्रैल से नहीं बनाए जाएंगे ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र, जानिए क्या होगी नई व्यवस्था। जी हां, दिव्यांगों के हितों में ध्यान रखते हुए 1 अप्रैल 2021 से नया या डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑफलाइन निर्गत नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल 2021 तक पुराने दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को भी ऑनलाइन सत्यापन करते हुए उन्हें UDID कार्ड निर्गत किए जाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बाबत समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव व स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के स्तर से आदेश निर्गत किया गया है। नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2021 के बाद केवल ऑनलाइन सत्यापित दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व से निर्गत ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन सत्यापित किया जाना अनिवार्य है।
बिहार में प्रवासियों को मिलेगा उनकी योग्यता के मुताबिक काम, सरकार ने एजेंसी के साथ किया एकरनामा। जी हां, श्रम संसाधन विभाग ने श्रमिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने और राज्य से बाहर उनकी क्षमता के अनुरूप रोजगार दिलाने के लिए शुक्रवार को ट्रूकॉम एजेंसी के साथ एकरनामा किया है। वहीं श्रम संसाधन विभाग टीम लीज मेसोई व लॉग स्कीम एजेंसियों के साथ समझौता जल्द करेगा। विभाग के मंत्री जीवेश कुमार सिंह ने कहा है कि रोजगार के लिए एजेंसी इच्छुक श्रमिक व युवा के निबंधन के बाद उनकी आकांक्षा एवं योग्यता के अनुसार रोजगार चयन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एजेंसी द्वारा प्रदेश के युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के बाहर के कंपनी के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें रोजगार दिलाए जाने तक की सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जो पूरी तरह से मुक्त है। बिहार के पर्यटन स्थलों पर अब नहीं दिखेंगे भिखारी, सरकार ने बनाई है नई योजना। जी हां, राज्य के पर्यटन स्थलों पर अब भिखारियों की भीड़ नहीं होगी। समाज कल्याण विभाग ने पर्यटन स्थलों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने का निर्णय लिया है। पहले पेज में नालंदा बोधगया राजगीर के पर्यटन स्थलों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया जाएगा। मार्च तक यहां के सभी भिखारियों का निबंधन करने के बाद उन्हें आधार से जोड़ा जाएगा। भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत सहायता की जाएगी। राशन कार्ड में परिवार के छोटे सदस्यों का नाम जुड़वाने का मौका, ऐसे करें आवेदन। जी हां, राशन कार्ड में अगर आपके भी किसी परिवार का नाम छूट गया है तो आपके पास उनका नाम जुड़वाने का एक मौका है, लेकिन इसके लिए आपको सावधानी से आवेदन करना पड़ेगा। जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में घर के छोटे सदस्यों का नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र ख को सावधानी से भरना होगा और उसे अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा करना होगा। के बाद जांच के आधार पर नया नाम जोड़कर बढ़ी हुई यूनिट वाला नया राशन कार्ड आपको दोबारा जारी कर दिया जाएगा। इस बारे में SDO ने बताया कि नगर निगम के पटना सिटी एवं अजीमाबाद अंचल क्षेत्र के लाभार्थी और पटना सदर अंतर्गत 6 पंचायत के लाभार्थी पपत्र ख भर कर गांधी मैदान स्थित पटना सदर कार्यालय स्थित RTPS काउंटर पर जमा करेंगे। 7 फरवरी को मनेगा विधानसभा का स्थापना दिवस, विधायकों को बापू का उपदेश पढ़ाया जाएगा। जी हां, बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह 7 फरवरी को मनाया जाएगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही धूमधाम से स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर विरत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अगली बड़ी खबर, भागलपुर दानापुर इंटरसिटी सहित 5 एक्सप्रेस ट्रेनें 2 फरवरी से चलेगी। पटना मुंबई गया हावड़ा मुजफ्फरपुर आने जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। हालांकि अभी इन ट्रेनों का परिचालन अन्य ट्रेनों की तरह स्पेशल ट्रेन के रूप में ही होगा। इससे सफर करने के लिए सभी श्रेणियों में आरक्षण कराना आवश्यक होगा। इन ट्रेनों में मालदा पटना मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस, हावड़ा गया हावड़ा एक्सप्रेस, भागलपुर LTC एक्सप्रेस भी शामिल। यह जानकारी सीनियर DM पवन कुमार ने दी है। पिछले साल 23 मार्च से इन ट्रेनों का परिचालन बंद था। इन ट्रेनों के बंद होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा भागलपुर दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 2 फरवरी से प्रतिदिन चलेगी, वहीं जनसेवा एक्सप्रेस प्रतिदिन 2 फरवरी से चलेगी। बिहार में होगी कला विश्वविद्यालय की स्थापना, मिथिला कला संस्थान में जुलाई से शुरू होंगे डिग्री कोर्स। बिहार कला पुरस्कार का उद्घाटन करते हुए राज्य के स्वास्थ्य कला एवं संस्कृति मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य स्तरीय कला महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2 दिवसीय जिला स्तरीय महाकुंभ का आयोजन होगा। मंगल पांडे ने कहा कि इन आयोजनों के जरिए कला प्रतिभाओं को चुनकर उन्हें निखारा जाएगा। उन्होंने जुलाई 2021 सत्र से मिथिला चित्रकला संस्थान में डिग्री कोर्स शुरू करने का भी ऐलान किया है। यानी इस साल जुलाई से मिथिला चित्रकला संस्थान में डिग्री कोर्स भी शुरू हो जाएंगे।
बिहार में नीतीश का खेल बिगाड़ने के बाद अब बंगाल और असम में भी ताल ठोकेगी लोजपा, सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां, पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शनिवार को पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने इस बात की घोषणा की है। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए खालिक ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल और असम में सभी सीटों का चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। राज्य इकाइयों से विचार करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है। इससे पार्टी को बढ़ाने और मजबूत करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार में एनडीए की सहयोगी लोजपा ने पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व को नकारते हुए अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। हालांकि पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली थी और सिर्फ एक सीट से ही संतोष करना पड़ा था। बिहार में 4,76,000 छात्र देंगे सीटेट की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ली जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बिहार से 4,76,300 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सीटेट दिसंबर 2019 से 50,000 अधिक अभ्यर्थी इस बार सीटेट में शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर के कई शहरों में नए केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिला मिलाकर 410 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। हर केंद्र को परीक्षा के पहले सैनिटाइज किया जाएगा। पटना जिला के सभी केंद्रों को दो ग्रुप में बांट दिया गया है। आपको बता दें कि एक कक्षा में 12 परीक्षार्थियों को ही बैठना है। इसके अलावा सभी परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर ही केंद्र पर प्रवेश मिलेगा। परीक्षार्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र के अलावा पेन और पानी का बोतल लेकर आना है। कोरोना के मद्देनजर केंद्र पर बाहर निकलकर पानी पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नीतीश सरकार ने जो फैसला किया है उसे अब पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मियों, मंत्रियों, विधायकों और सांसद के खिलाफ सोशल मीडिया, इंटरनेट पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई किए जाने का फैसला किया है। पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। याचिका में पटना कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वह सरकार के उस अधिसूचना पर रोक लगाए। सर्दी के सितम के बीच बिहार वासी रहे अलर्ट, अभी और बढ़ेगी ठंड। पटना सहित 8 शहरों में सीवियर कोल्ड डे। जी बिहार में मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में ठंडी हवाओं की चाल थोड़ी बदलेगी। इसकी संभावना है कि शुष्क और उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं की रफ्तार थोड़ी और बढ़ जाए। इसके पूरे बिहार में 2-3 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन दक्षिण पश्चिम भाग यानी बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल आदि जिलों में ठंड का सर थोड़ा और अधिक होगा। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य बिहार, पटना व गया जिले में भी शनिवार को कोल्ड डे और घना कोहरा की स्थिति बनी रही। और अंत की बड़ी खबर, राज्य सरकार ने सभी विभागों और सभी स्तर के कार्यालय में प्रशाखा पदाधिकारी के खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत सेवानिवृत्त एसओ की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन्हें संविदा पर बहाली करने से संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि चयन के लिए प्राप्त आवेदन के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को बहाल करने से पहले संबंधित विभाग से सहमति लेनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चयन समिति के समक्ष प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही बहाली के लिए वेबसाइट और समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाएगा। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि विश्व के सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।